प्रदेश में लगातार हो रही शराब की ओवररेटिंग और तस्करी को देखते हुए आबकारी विभाग और ज्यादा सक्रिय हो गया है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम ने बताया कि आबकारी विभाग पूरे प्रदेश में अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत शराब की दुकानों पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जहां भी ओवररेटिंग होती पाई जाएगी, उस दुकान का तत्काल चालान किया जाएगा। 3 बार से ज्यादा शिकायत आने पर किसी भी शराब के ठेके का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर पर नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। टाइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। तो इस संबंध में हम लोग लास्ट वीक भी हमने बड़ी मात्रा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभियान चलाए थे। इसमें से हमारा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, इंस्पेक्टर और सभी उनका मंडलीय लेवल टीम ने जगह जगह जाके दुकान का चेक किया है। उसमें से हमारा संज्ञान में 17 मामला हमारे सामने आए हैं। उन लोग के लिए हम लोग नोटिस दे रखे हैं आज पर हमारा नियम के तहत। सो इस प्रकार का फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे। अगर कोई इसका वायलेट किया जाता है इस नियम को, फिर हम लोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारा नियम में है जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। उसमें प्रथम बार 5,000 रुपये लगाएगा, फिर उसके बाद अप टू 5% तक व्यवस्था है। सो वो लगाने के बाद 6 बार के बाद अगर होगा, फिर हम उनका निरस्त करने के लिए भी व्यवस्था है।